गाइज हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। फ्रेंड्स आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इन्वेंट्री बेसिकली एच ब्लॉक में 270 स्क्वायर प्लॉट साइज है और ये वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। आप देख पा रहे हो इसका फ्रंट एलिवेशन हो गया जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। फ्रेंड्स ये इसमें अभी थर्ड फ्लोर अवेलेबल है, रिमेनिंग फ्लोर सोल्ड आउट है और यहाँ पर दो बड़े साइज़ की आपको गेट मिल रही है पार्किंग के लिए। एक पार्किंग इस पार्किंग में आप एक गाड़ी की पार्किंग मिलेगी आपको। यहाँ पर इसका रैंप एरिया आ गया प्रॉपर, इसमें छत पे भी और इस पर ग्राउंड पे भी प्रॉपर काम किया गया है मार्बल का और ये इसका हो गया। और इसमें फ्रेंड्स जो लिफ्ट आएगी वो टॉप तक आएगी, सिल्वर ब्रांड की लिफ्ट मिल रही है इसमें। और ये आप देख पा रहे हो काफ़ी खूबसूरत सा इसका फ्रंट एलिवेशन हो गया और इसमें टॉप से नीचे वाला फ्लोर अवेलेबल है। अगर बात करूँ लोकेशन की फ्रेंड्स तो काफ़ी बेहतरीन सा लोकेशन मिल रहा है, सामने सारी कोठियाँ बनी हुई है, काफ़ी 12 मीटर की रोड भी मिल रही है ये आपको जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। मूविंग ऑन टू दी स्टिल्ट पार्किंग और ये इसका पार्किंग एरिया हो गया और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रॉपर काम किया गया इसमें ग्रेनाइट का फ्लोरिंग में। 2000 लीटर का वाटर टैंक कैपेसिटी मिलेगा इसमें, 2 या 2500 का वाटर टैंक कैपेसिटी मिलेगा पर यूनिट। इसमें ग्राउंड पे एक है, दो है, तीन है, चार मिल रहा है इसमें आपको। प्रॉपर इसमें टाइल्स का काम चल रहा है, एक गाड़ी की पार्किंग रहेगी इसमें। वाल में प्रॉपर अभी टाइल्स का काम चल रहा है जो कि आप देख पा रहे होंगे, इस तरफ टाइल्स प्रॉपर लग चुकी हुई है जो कि ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये भी आप देख पा रहे होंगे। और ये इसका पार्किंग एरिया हो गया, इस तरफ भी टाइल्स प्रॉपर लग जाएगी। दो बड़े साइज़ की इसमें आपको गेट मिल रही है जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर दी हुई है प्रोविज़न, सारे मीटर सब बाहर लग जाएगी, यहाँ भी दी हुई है चेंजर। और इस तरफ जो है फ्रेंड्स यहाँ भी पार्किंग एरिया है जो कि आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे अभी थोड़ा अंधेरा है प्लीज़, तो थोड़ा उसके लिए माफ़ करें मुझे, क्योंकि लेफ़्ट साइड में सिंडर ब्रांड की लिफ्ट आएगी, लिफ्ट एरिया है मेरे लेफ्ट में, मेरे राइट में स्टेयरकेस गया हुआ है। अगर बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स तो इसमें प्रॉपर काम किया गया है ग्रेनाइट का जो कि आप देख पा रहे हो, ब्लैक कलर की लगी हुई है। स्टेयर केस में भी सेम ब्लैक कलर की ग्रेनाइट लगी हुई है और मेरे लेफ्ट में जो है वो लिफ्ट आ जाएगी इधर जो कि आप ये देख पा रहे हो, ये वाला एरिया इसमें सेंडल ब्रांड की लिफ्ट आएगी फ्रेंड्स। और मूविंग ऑन टू दी, अभी इसमें लाइटिंग का प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है। मूविंग ऑन टू दी फ्लोर एरिया और ये इसका हो गया टेरेस एरिया, इसमें प्रॉपर आप देख पा रहे होंगे काम किया गया ग्रेनाइट का, मार्बल इसमें लगी हुई है, आयरन की रेलिंग का काम किया गया है इसमें। और फ्रेंड्स इसमें जो लिफ्ट है वो टॉप तक आ रही है, सिंडलर ब्रांड की लिफ्ट आएगी इसमें आपको। और यहाँ पे रेलिंग दिया गया है और यहाँ पे लिफ्ट जो है सिंडलर ब्रांड की टॉप तक आ रही है। मूविंग ऑन टू टेरेस एरिया, यहाँ पे रबिंग का काम, घसाई का काम अभी चल रहा है जो कि आप देख पा रहे हो ये। और इस टेरेस पे अभी प्रॉपर काम किया गया है मार्बल का जो कि आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर घसाई चल रही है अभी। और इसका व्यू भी काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, सुप्रीम की 1000 लीटर का टैंक मिल रही है इसमें आपको टॉप पे और 2000 लीटर का मिलेगा वाटर टैंक कैपेसिटी आपको स्टिल पार्किंग में ग्राउंड फ्लोर पे जो कि आप देख पा रहे हो। ये इसका टेरेस एरिया हो गया जो कि आप ही देख पा रहे हो। और ये सॉफ्ट एरिया है। मूविंग ऑन टू दी फ्लोर एरिया गाइज, हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। फ्रेंड्स आज जो मैं आपके लिए इन्वेंट्री लाया हूँ ये बेसिकली एच ब्लॉक में 270 स्क्वायर यार्ड प्लॉट साइज़ है और ये वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। अब मैं आपको लेआउट समझाता हूँ। ये वाला इसका हो गया लाउंज एरिया, इसको ड्राॅइंग रूम बोल दो आप। ये वाला इसका लाउंज एरिया है, ये इसका डाइनिंग टेबल यहाँ आ जाएगा जो कि सामने में इस तरफ राइट में किचन है। और ये इसका हो गया फर्स्ट बेडरूम, अटैच वाशरूम जो कि देख पा रहे होंगे, फ्रंट बालकनी है, वेस्ट फेसिंग है। और ये जो फ्लैट में एंटर करते हो फ्रेंड्स आप, ये इसका साउथ फेसिंग है और प्लॉट जो है ये वेस्ट फेसिंग है। और ये इसका किचन एरिया हो गया, किचन आप देख पा रहे हो काफ़ी खूबसूरत सा बना हुआ है, डिज़ाइन देखने में काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है, ये किचन हो गया इसका। और ये वाला इसका हो गया सेकेंड बेडरूम फ्रेंड्स, और ये हो गया इसका थर्ड बेडरूम। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें जो फॉल सीलिंग में भी स्पीकर का काम किया गया है, स्पीकर इसमें लगी हुई है, आप इसको फ़ोन से कनेक्ट करके अब प्रॉपर आपको साउंड इससे आएगी सीलिंग से, क्योंकि इन्होंने सीलिंग में भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारे स्पीकर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रॉपर इसमें फॉल सीलिंग में सारे लाइटिंग का प्रोविज़न दिया गया है,
यहाँ पर टेक्सचर वॉल दी गई है, वहाँ पे भी इन्होंने पार्टीशन किया हुआ, ये आपका ड्राइंग रूम हो गया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द लॉबी एरिया। और ये इसका कुछ डोर का डिज़ाइन हो गया है, जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी प्यारा सा लग रहा है फ्रेंड्स। और अभी मैं इसको बंद करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ वीडियो। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इस तरफ ये इसका एंट्रेंस डोर हो गया, जो कि ये साउथ फेसिंग है। और डोर का डिज़ाइन सारे लॉक्स डोर सेट के दिए गए हैं इसमें। लेट स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द लॉबी एरिया। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें सारे में ही सेरेमिक वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है। इसमें बस आपको थर्ड फ्लोर ही अवेलेबल है, रिमेनिंग फ्लोर जो है सोल्ड आउट हो चुका है फ्रेंड्स। पार्टीशन की गई है इसमें, और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे फॉल सीलिंग का काम हुआ हुआ है। काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है फॉल सीलिंग इसका। इसमें कुछ टेक्सचर वॉल गोल्ड के डिज़ाइन का कुछ दिया गया है, वुडन का इसमें पार्टीशन इसमें करा गया है, जो कि देखने में ये भी काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है। इसमें आपको टीवी पैनलिंग का भी काम किया गया है, जो कि आप ये देख पा रहे हो काफ़ी खूबसूरत सा ये लग रहा है फ्रेंड्स। और काफ़ी ह्यूज साइज़ का दोनों साइड इसमें क्लैडिंग की गई है, और इसमें ये टीवी पैनल काफ़ी खूबसूरत सा देखने में लग रहा है। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स इसकी डोर की, तो इसमें आपको UPVC की साइड डोर्स मिल रहे हैं। एक इसमें मैश डोर है, दो इसमें ग्लास डोर दी गई है। और यहाँ पे इसमें आपको AC के लिए प्रोविज़न भी दिया गया है, सारे लाइटिंग लगी हुई है। और फॉल सीलिंग का डिज़ाइन काफ़ी एलिगेंट लग रहा है देखने में, जो कि आप ये देख पा रहे हो काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है फ्रेंड्स। मूविंग ऑन टू द फ्रंट बालकनी, जो कि ये वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। अगर हम बात करूँ फ्रेंड्स इसकी बालकनी की, तो इसमें प्रॉपर ब्लैक कलर की ग्रेनाइट का काम किया गया है, ग्रेनाइट लगी हुई है इसमें, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। इस तरह प्रॉपर टफन ग्लास का यूज़ किया गया है, रेलिंग दी गई है इसमें। और यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, सारे में ये सारे सीट लग के कवर हो जाएगी। और ये बालकनी में भी, वॉल में भी प्रॉपर टाइल्स का काम किया गया है, सारे आउटलेट्स के सारे प्रोविज़न दिए गए हैं। और क्लैडिंग का भी काम इसमें करा गया है, देखने में काफ़ी खूबसूरत सी लग रही है फ्रेंड्स ये, जो कि आप भी देख पा रहे होंगे। सारे आउटलेट्स के सारे प्रोविज़न यहाँ पे दिए गए हैं फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ इसकी रैंप एरिया की, तो प्रॉपर इसमें ग्रेनाइट लग रहा है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। बड़े साइज़ की इसमें आपको गेट लग रही है, 12 मीटर की रोड है ये, और देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। इसमें आपको एक गाड़ी की पार्किंग मिलेगी। और ये हो गया फ्रेंड्स इसका लाउंज एरिया। इसमें बिल्डर ने क्या किया है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, तो इसमें प्रॉपर आपको सेरेमिक वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है, जो कि आप ये देख पा रहे हो कि काफ़ी खूबसूरत सा। इन्होंने फॉल सीलिंग में भी सारे में ही, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ स्पीकर लगी हुई है, और फॉल सीलिंग में भी स्पीकर का काम इन्होंने करा हुआ है प्रॉपर साउंड के लिए। पार्टी पुटी करोगे आप, तो प्रॉपर एक प्रपोर्शन में साउंड फैलेगा ग्राउंड पे, और अच्छा भी लगेगा देखने में ये भी। और यहाँ पे इन्होंने कुछ ग्लास का वर्क किया हुआ है, सारे लैंप लगे हुए हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे इन्होंने सीलिंग कुछ डिज़ाइन भी दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरफ भी लाइटिंग का प्रोविज़न दिया हुआ है, और देखने में ये भी काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। ये आपका लाउंज एरिया हो गया, ये आपका डाइनिंग हॉल हो गया, यहाँ पे डाइनिंग टेबल आ जाएगी, यहाँ पे लाउंज बना लो, और ये वाला मैंने बताया था आपको, ये ड्राइंग रूम हो गया आपका। और ये भी देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। फॉल सीलिंग की अगर बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये भी देखने में काफ़ी बेहतरीन से इन्होंने काम करा है इसमें फॉल सीलिंग में, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। और इसमें भी इन्होंने कुछ लाइटिंग का काम यहाँ पे करा है, यहाँ पे ग्लास लगी हुई है, प्रॉपर बिनर का काम किया हुआ है। मूविंग ऑन टू दी फर्स्ट बेडरूम, अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स उसकी फर्स्ट बेडरूम की, तो इसमें प्रॉपर वुडन टाइल्स का काम किया गया है, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। और ये इसका टेक्सचर वॉल आ गया, और फॉल सीलिंग का भी इसमें वर्क किया गया है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये। इसमें भी आपको UPVC के स्लाइडर डोर्स मिल रहे हैं, एक AC के लिए प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। यहाँ पे अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें भी आपको प्रॉपर TV पैनल भी मिल रही है, इसमें आपको ग्लास का भी वर्क किया गया है इसमें। और इस तरफ ये इसका वार्डरोब हो गया, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वार्डरोब भी काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन का इसमें बना हुआ है फ्रेंड्स, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। और यहाँ आप देख पा रहे हो इसका डिज़ाइन हो गया वार्डरोब का, ऊपर तक प्रॉपर इंटैक्ट है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि सारे इन्होंने यहाँ पे लाइटिंग के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है, खोलोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही जल जाएगा। तो दो ड्रॉअर बने हुए हैं,
स्टोरेज के लिए काफ़ी सारी स्पेस में दी गई है, ऊपर सारे बॉक्स बने हुए हैं और सारे ही सॉफ्ट फ्लोर में। इस तरफ अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ भी आपको प्रॉपर स्पेस दी गई है कुछ स्टोरेज के लिए, और ये भी सॉफ्ट क्लोज है जो कि आप भी देख पा रहे होंगे। और इसे अटैच ये वॉशरूम में फ्रेंड्स, इसमें फिटिंग सारे जैगवार की मिलेंगे आपको। और ये इसका शावर एरिया हो गया, चैम्बर बनी हुई है, कमोट एरिया, और इस तरफ जो है ये होगी इसका हो गया वॉश बेसिन एरिया। डिज़ाइन अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की, तो प्रॉपर टाइल्स का काम किया गया है, वाइट ऑफ वाइट कलर की इसमें टाइल्स लगी हुई है, और डार्क कलर का वॉल टाइल्स में काम किया गया है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। इसमें आपको सीलिंग शावर मिलेगा और फैन का भी प्रोविजन इसमें दिया गया है जो कि देखने में ये भी काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। इसमें भी आपको EPVC की स्लाइडर डोर मिल रहे हैं, दो इसमें ग्लास डोर और एक नेट डोर लगा रहेगा। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ इसकी बैल्कनी की, तो प्रॉपर इसमें काम किया गया है मार्बल का जो कि आप देख पा रहे होंगे। प्रॉपर इसमें टाइल्स का काम किया गया है इसमें वॉल में, आउटर के सारे प्रोविज़न यहाँ पे दिए गए हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। अगर बात करूँ इसकी बैल्कनी की फ्रेंड्स, तो इसमें प्रॉपर टफन ग्लास का यूज़ किया गया है, स्टील की रेलिंग दी गई है, ब्लैक कलर की ग्रैनाइट का काम किया गया है इसमें फ्लोरिंग में जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। अभी काम चल ही रहा है, इसका रैंप एरिया आ गया प्रॉपर जो कि आप देख सकते हो, ये ग्रेनाइट लग रही है इसमें। लोकेशन भी देखने में काफ़ी खूबसूरत सा है, काफ़ी अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, सारी कोठियां बनी हुई है जो कि आप देख पा रहे होंगे। और सारे जो इसमें ये इसका डोर का डिज़ाइन हो गया जो कि काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है जो कि आप देख सकते हो। ये मूविंग ऑन टू दी किचन एरिया, बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये लॉबी से ही अटैच ये ओपन किचन है, काफ़ी अच्छे थीम के साथ ही मिल रहा है आपको। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स की किचन की, तो फ्लोरिंग की, तो इसमें प्रॉपर आपको सारे सेरामिक वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है, और ये प्रॉपर मॉडलर किचन बनी हुई है फ्रेंड्स। इसमें भी आपको फॉल सीलिंग का काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइन दिया गया है, नाइट लैम्प इसमें लगी हुई है, और नीचे में वाइट और इसमें हल्का सा क्रीमिश कलर का माइका का यूज़ किया गया है। वॉल में इसमें ब्लैक कलर की टाइल्स लगी हुई है। अगर बात करूँ इसकी प्लेटफॉर्म की फ्रेंड्स, तो इसमें वाइट कलर की मार्बल का काम किया गया जो कि आप देख पा रहे होंगे, और नीचे जो है ये आपको सेम कॉम्बिनेशन है, सेम थीम यूज़ किया गया है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ये इसका सारे ही सॉफ्ट क्लोज है ये जो कि आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी बेहतरीन से इन्होंने काम करा है इसमें फ्रेंड्स, सारे सॉफ्ट क्लोज है। और यहाँ भी कुछ मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्टोरेज के लिए, यहाँ पे दी गई काफ़ी यू साइज़ की है ये, और सारे सॉफ्ट क्लोज है फ्रेंड्स। यहाँ पे चिमनी आ जाएगी, यहाँ प्रोविज़न दिया हुआ है, पाइप ऊपर से निकल जाएगी, यहाँ पे डोल सिंक आएगा, फिटिंग सारे इसमें आपको जैगवार के आएंगे, काफ़ी यू साइज़ की आप देख सकते हो, बड़े बड़े साइज़ की आपको दो सिंक मिल रही है, ये स्टील की सिंक है, और जैगवार के सारे फिटिंग्स रहेंगे। इसमें आपको EPVC की विंडो आ जाएगी, गीजर के लिए यहाँ प्रोविज़न दिया हुआ है, पावर सॉकेट बनी हुई है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन दिया गया। ये इसका ब्रेकफास्ट टेबल आ गया, यहाँ पे भी कुछ इन्होंने दिया हुआ है स्टोरेज के लिए जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरफ भी फ्रेंड्स आपको कुछ स्टोरेज के लिए दी हुई है यहाँ पे जो कि आप देख पा रहे हो, ये सारे सॉफ्ट क्लोज हैं, प्रॉपर ये मॉडल किचन है फ्रेंड्स जो कि आप देख सकते हो। ये मूविंग ऑन टू द सेकेंड बेडरूम फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें प्रॉपर टाइल्स का काम किया गया है जो कि आप देख पा रहे होगे। इस तरफ जो है ये टेक्सचर वॉल है इसका जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। वार्डरोब इसमें वॉल में इनबिल्ड है, ये UPVC के स्लाइडर डोर्स मिल रहे हैं आपको, TV पैनलिंग का भी यहाँ पे काम किया गया है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कुछ डोर का डिज़ाइन हो गया इसका, और यहाँ पर TV पैनल का काम किया गया जो कि आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी खूबसूरत से इन्होंने वर्क किया हुआ है। यहाँ पर वार्डरोब बनी हुई है, ये ऊपर तक इंटैक्ट है, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
आप देख सकते हो ये सारे ही वार्डरोब के लिए, स्टोरेज के लिए सारा कुछ बना हुआ है। दो ड्रॉअर्स मिल रहे हैं इसमें आपको, और सारे ही सॉफ्ट क्लोज हैं जो कि आप देख सकते हो। मूविंग ऑन टू द अटैच वॉशरूम जो कि सेकंड बेडरूम से अटैच है। फिटिंग सारे जैगवार के मिलेंगे आपको इसमें। इस तरफ जो है मेरे राइट में ये शावर एरिया है, ये कमोट एरिया हो गया, ये इसका वॉश बेसिन एरिया हो गया। आप देख पा रहे हो कि इसमें सीलिंग शावर मिल रही है, फैन के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। ब्लैक कलर का टाइल्स का काम किया गया है इसमें जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। वाइट कलर की इसमें टाइल्स, फ्लोरिंग टाइल्स का काम किया गया है। यहाँ पे आपकी विंडो आ जाएगी, एग्जॉस्ट के लिए प्रोविजन यहाँ पे छोड़ा गया है। मूविंग ऑन टू दी बैक साइड बालकनी, अगर हम बात करूँ फ्रेंड्स इसकी बैक साइड बालकनी की, तो इसमें प्रॉपर काम किया गया है। ग्रेनाइट का मार्बल लगी हुई है इसमें ब्लैक कलर की, जो कि आप देख पा रहे हो। ये देखने में ये भी काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। और यहाँ पे ये इसका स्पेस छोड़ा गया यहाँ पे FAR के अकॉर्डिंगली, और ये पीछे का स्पेस हो गया। पीछे काफ़ी बड़े साइज़ की फार्म हाउस बन जाएगी क्योंकि बड़े साइज़ का प्लॉट है, ये कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, तो पीछे भी खुला खुला रहेगा। मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम जो कि इस लॉबी से कनेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स। ये अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, तो इसमें सारे में ही वुडन फ्लोरिंग का काम किया गया, वुडन टाइल्स का काम किया गया है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है फ्रेंड्स, जो कि आप ये देख पा रहे होगे। प्रॉपर इसमें भी आपको फॉल सीलिंग का काम हुआ हुआ है, कॉब लाइटिंग की गई है इसमें, देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। ये इसका टेक्सचर वाल आ गया, वुडन टाइल्स का काम इसमें करा इन्होंने, देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है ये भी। और ये इसका वार्डरोब हो गया फ्रेंड्स जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बड़ी। आप देख पा रहे हो कि इसका वार्डरोब इससे अटैच्ड है इस रूम में। एक बार मैं अंदर से दिखाना चाहूँगा, सेम साइज़ जो आपने देखा था उस दोनों रूम में सेम साइज़ का, यानी दो ड्रॉअर्स बन रहे हैं, दो ड्रॉअर्स बने हुए हैं। स्टोरेज के लिए सारा कुछ दिया गया है इसमें। ये भी सारे सॉफ्ट क्लोज हैं, यहाँ भी कुछ स्टोरेज के लिए दी गई है जो कि आप देख पा रहे हो। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसमें भी टी पैनलिंग का काम किया गया है, ग्लास लगी हुई है, ड्रॉर्स दी गई है इसमें भी, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये भी देखने में जो कि आप ये देख पा रहे हो। ये आपका ड्रेसिंग टेबल हो गया जो कि इस वॉल में इनबिल्ट है, और इसमें भी आपको ड्रॉअर मिल रहे हैं, और नीचे सारे बॉक्सेस बने हुए हैं जो कि आप देख पा रहे हो। इससे अटैच ये फ्रेंड्स वॉशरूम है, फिटिंग सारे जैगवार के रहेंगे इसमें आपको। ये इसका हो गया शावर एरिया, ये इसका कमोट एरिया है, और ये वाला इसका हो गया वॉश बेसिन एरिया। वाइट कलर की इसमें टाइल्स का काम किया गया है, सीलिंग शावर मिल रही है इसमें आपको, और फैन के लिए प्रोविज़न दिया गया है जो कि आप ये देख पा रहे हो। और इसमें भी आपको UPVC की स्लाइडर डोर्स मिल रहे हैं, दो ग्लास डोर इसमें मिल रहा है इसमें आपको, और AC के लिए प्रोविज़न यहाँ पर दिया गया है। फ़ैन सारे ओरिएंट के फ़ैन आ जाएंगे इसमें, फ़ैन मिलेगा इसमें आपको। मूविंग ऑन टू दी बैक साइड बालकनी, अगर मैं बालकनी की बात करूँ फ्रेंड्स, इसमें ब्लैक कलर की ग्रेनाइट का काम किया गया है, ग्रेनाइट लगी हुई है जो कि आप ये देख पा रहे हो कि सारे इतने पाइप से सारे ये कवर हो जाएंगे। और यहाँ पे इसका बालकनी हो गया। अगर रेलिंग की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसमें प्रॉपर आयरन की रेलिंग दी गई है, और ये इसका स्पेस छोड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये इसका बैक व्यू हो गया यहाँ से जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन से लग रहा है फ्रेंड्स। एक बार मैं आपको वॉक अराउंड देता हूँ और लॉबी का, जो कि देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो ये लॉबी का डिज़ाइन हो गया जो कि यहाँ से देखने में काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइन है इसका। इसमें प्रॉपर मैंने बताया था आपको, इसमें इस लॉबी में आपको फॉल सीलिंग में भी स्पीकर का सारा इनबिल्ट किया हुआ है, इससे आपको साउंड भी प्रॉपर आएगी। यहाँ देख पा रहे हो कि स्पीकर लगी हुई है, वहाँ भी स्पीकर लगा हुआ है, देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज के लिए। यहाँ पे भी कुछ इन्होंने लाइटिंग का प्रोविज़न दिया हुआ जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। इस तरफ भी लाइटिंग का प्रोविज़न दिया हुआ है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये था आज के लिए, अच्छा लगा ये वीडियो, प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो, ऐसा वीडियो मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ चेकआउट द डिस्क्रिप्शन फॉर प्राइज एंड ऑल, मैं प्राइज एंड ऑल सारा कुछ मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर लेना। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।